जी जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोइन खान एंड आई एम अ फ्लूट टीचर एट अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स। मेरे साथ हैं मिस्टर हामिद हुसैन साहब, जो कि हमारे साथ तबले पे होते हैं, जिन्होंने अभी मेरे साथ संगत भी की है। तो आज का जो हमारा फ्लूट ट्यूटोरियल्स के हवाले से लेसन, जो सेकंड लेसन है, उसमें आज हम आपको फ्लूट के बारे में, फ्लूट की मुख्तलिफ जो फर्दर स्केल्स की काइंड्स होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि मेरे ये टेबल पे मेरे सामने भी काफ़ी छोटी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की फ्लूट रखी हैं। इसकी लॉजिक, इसकी इसको लॉजिकली स्केल्स की इसकी शिफ्टिंग किस तरह, मैं आज आपको बताता हूँ। इसकी मेकिंग मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बंद बांस होता है जो कि ज़मीन से उगता है। इसके बीच में अलग अलग जगहों पे बंद होते हैं, इसका डल है जो उसकी गुलाई है, इसको डल कहते हैं। कहीं की जगह से ब्रेक होता है, यानी कि बीच में डल होता है। ये जो बांस मेरे सामने आपने, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं अभी, ये बांस तकरीबन 20-25 बांस काटे हों तो ये बनता है जाके। इस तरह की इसकी जो, यानी कि जो सीधा है और जो इसकी मोटाई है, हर तरफ से लेवल पे है, एक जैसा होना चाहिए। अब इसकी जो मेकिंग का प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसको, इसकी मेजरमेंट होती है इसकी साइज़ के हिसाब से। फिर बाद में जो फर्स्ट होल है इसका, जो ब्लो जहाँ से ब्रेथ हम देते हैं, सबसे पहले ये वाला बनाया जाता है। इसको बनाने के बाद ये सारे होल्स कवर होते हैं, ये इस पे कोई होल नहीं हुआ होता। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट यहाँ से की जाती है, जिस स्केल के हिसाब से बनाते हैं फ्लूट को। फिर बाद में एक सुराख होता है ये वाला, मुख्तलिफ किस्म की सलाखों को गर्म करके हम इसमें सुराख करते हैं, फिर ये बनता है। और इसका एक स्पेसिफिक मेजर करना पड़ता है हमें कि कौन से स्केल की फ्लूट हम बना रहे हैं। ये जो मेरे हाथ में फ्लूट है, ये सारी बंद करके सुराखों को, सी मेजर की फ्लूट है, यानी कि मेजर माइनर तो बाद में हम डिसाइड करेंगे, ये सी नेचर का फ्लूट है सारी बंद करके। पाकिस्तान में हम यहाँ से मेजर करते हैं, जबकि हिंदुस्तान में तीन उठा के नीचे वाली फिंगर्स को मेजर किया जाता है। अब जब फर्स्ट होल हमने किया तो इसको आधे होल को खोल के हमने जो है आधा सुर जो है उधर से चढ़ा दिया, जिस तरह सी से सी शार्प पे कन्वर्ट हो गए। इसी तरह हम सारे होल्स बना के ट्यूनर के साथ, तानपुरे के साथ इसको चेक करते हैं। फिर बाद में जिस तरह ये मेरे हाथ में सी की फ्लूट है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा ये भी है कि अगर आपने उसकी लंबाई देखी होगी, इसी सुर में हम इस बांस में भी बना सकते हैं, यानी कि बेस और शार्प हो जाएगा। बेस और शार्प, जिस तरह गिटार में होता है, एक बेस गिटार होता है, एक इलेक्ट्रिक गिटार होता है, उसकी थोड़ी सी इस तरह की सुर एक ही होंगे उनके, लेकिन ये टीप में होगी, वो जरा ग्राम में होगा। जी जी मोइन, अब अभी मैंने आपको बैम्बू फ्लूट के बारे में बताया, ये मेरे हाथ में की फ्लूट है जो कि इजिप्ट, इटली, चाइना में, क्या नाम लेते हैं इसको, ईजाद किया गया या फिर सबसे पहले बजाना शुरू किया गया। इसकी जो ये कीज़ बनी हुई हैं, ये हमारे यहाँ पर इस वाली फ्लूट में नहीं है। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसकी लॉजिक इस पर बनने का ये है कि हम ये वाली फ्लूट जब बजाते हैं तो इस पर हाफ नोट्स बजाते हैं, हाफ हाफ नोट्स बजाते हैं, पूरा पूरा भी बजता है। बने हुए हैं मोइन साहब, ये कहना चाहते हैं कि उसमें हाफ नोट बने बनाए, लेकिन की यानी कि इसकी जो चाबी है, ये जो आप लोहे की देख रहे हैं, इसको की कहते हैं, की सूरत में बने हुए हैं। इसमें हमें फिंगर्स के थ्रू नहीं आधा नोट लगाया जाता, या फिर कॉमन नोट फिंगर के थ्रू नहीं लगाया जाता, इसकी कीज बनी होती है। बैम्बो फ्लूट में हमें आधा नोट खुद बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ, ये जिस तरह है आप ये देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा नोट है। ये जो मैं इस तरह थोड़ा सा तिरछा कर रहा हूँ, ये हाफ नोट लगेगा। जी मोइन जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो साइजेस जो हैं फ्लूट के मेरे हाथ में, आपके सामने एक छोटा साइज है लेकिन दूसरा जो है वो बड़ा है, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी जो वॉइस है, इसके जो नोट्स हैं वो सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीन रखे मैं फूंक दे रहा हूँ और उसको भी तीन रखे फूंक दी जाएगी। इसकी जो आवाज़ है वो बाद में उसको बताता हूँ कि किस तरह, इस तरह क्यों है। ये बताने का मकसद ये है कि फ्लूट में हर स्केल की नहीं, लेकिन ज़्यादातर स्केल्स ऐसे हैं जिनकी टीप और ग्राम बन जाती है, यानी कि बेस और शार्प फ्लूट बन जाती है। तो जिस तरह मैंने दिखाया अभी, मैंने आपको ई नेचुरल बेस और ई नेचुरल की फ्लूट बता दूँ। ये जो बड़े फ्लूट हैं, बेस जो हैं, इन्हें अमूमन हम बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर क्लासिकल के लिए भी, क्लासिकल के लिए भी और बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए भी। जैसे अभी आपने सुना, मैं मोइन से कहूँगा थोड़ा सा इसमें जिस तरह बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये अब ये देखिएगा, अगर हम
यही चीज अगर इस पे करते हैं तो उसकी आवाज चेंज होगी, उसमें जरा गौर कीजिएगा। जबकि सुर एक है, सिर्फ इसकी जो वॉइस है वो थोड़ी शार्प है, वो बेस में है। इसका हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल के टाइम भी और बैकग्राउंड किसी गाने का, यानी कि कोई ओएसटी वगैरह जिस तरह आजकल बन रहे हैं ड्रामोस के, तो उसमें भी मैं प्ले करता हूँ। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि ये तमाम जो फ्लूट हैं ये कब इस्तेमाल होती हैं, तो मैं उसके लिए बता दूँ कि ये संगत करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई आपके साथ सिंगर गा रहा है तो हमारे पास उस स्केल का फ्लूट होना ज़रूरी है, जिस पोजीशन में हमने पीस देना है, इंटरवल पीस देना है या बार पीस देना, कोई भी पीस देना है, तो हमने ये देखना है कि हमारा जो पीस जो है वो मुलायमियत के हिसाब से कहाँ से अच्छा प्ले होना है, तो हम उसके हिसाब से ले लें। मुख्तलिफ सिंगर्स के मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ स्केल्स के हैं। स्केल्स म्यूजिकल लैंग्वेज में एक वेव्स होती हैं, ऊपर नीचे की, आप यानी कि इस तरह करके अपने माइंड में इसको बिठा सकते हैं, जिनका नाम होता है सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प और एंड पे बी। तो ये मुख्तलिफ रेंजेस, जिसे रेंज कह सकते हैं, जैसे ये भी कह सकते हैं कि आम फहम जबान में इसे पहला सफ़ेद, पहला काला, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, तीसरा काला, चौथा काला, इस तरह करके भी कहते हैं। अभी मैं आपको इस पर दोबारा क्या नाम लेते हैं स्थाई बजा के दिखाता हूँ। जी मोइन, मेरे ख्याल से अगला जो है हम उसे अगली क्लास के लिए रखते हैं काम को। तो अपनी क्लास ख़त्म करने से पहले मैं फिर मोइन से कहूँगा कि कोई वापसी के लिए कोई ऐसा गीत जो अच्छा लगे फ्लूट पर वो सुनाएं।